फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ आज लेटेस्ट वीडियोस के साथ और अब से मेरी वीडियो रेगुलर आएंगी। जी हाँ, सही मैंने आपको बताया कि अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी। मैंने न्यू होम लिया है, न्यू होम में शिफ्ट हुई, इसलिए थोड़ा सा बिजी थी। अब मेरी वीडियोज़ रेगुलर आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं अपने हॉल में बैठी हुई हूँ, अपना होम टूर भी आपके साथ शेयर करूँगी। बट आज की इस वीडियो का टाइटल है 15 वेडिंग हैक्स। मतलब जो भी जिनकी भी शादी होने वाली है उनके लिए मैं कुछ खास टिप्स लेके आई हूँ, कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको इस समर सीजन में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं और जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है खास। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेडिंग हैक्स फॉर ब्राइड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब एक लड़की की शादी होती है ना तो उसके साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं। मेरे साथ भी हुई थी कुछ चीज़ों की लड़कियों को आदत नहीं होती, लेकिन जब शादी करके अगले दिन ससुराल में पहुंच जाते हैं ना तो उनको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि शादी के बाद पायल पहनना, बिछुए पहनना, चूड़ी कंगन पहनना। रिंग्स तो हम लड़कियाँ फिर भी पहनती हैं, लेकिन पायल बिछुए बहुत रेयर ही होता है जब हम पहनते हैं। बिछुए तो एक मैरिड लड़की की पहचान होती है। अब होता क्या है, गर्ल्स की शादी में जब हम बिछुए पहनते हैं तो हम लोगों की आदत होती नहीं है, बिछुए निकल जाते। मेरे साथ तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती थी, आए दिन मेरा बिछुआ कभी खो जाता था या तो कहीं इधर उधर गिरा पड़ता था। तो उस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या इस प्रॉब्लम से ना जूझ रहे, उसके लिए आपको बेसिकली जो रिंग वाले बिछुए आते हैं वो आपको पहनने। मैं अपना बिछुआ दिखा देती हूँ। इस तरह के बिछिए जो होते हैं इसको आप पहनेंगे तो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। नॉर्मल बिछिया जो होता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है और रिंग वाला बिल्कुल भी नहीं निकलता है। कंफर्टेबल होता है, ईजी टू वियर होता है, आपको मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा, एलर्जिक भी फील नहीं होगा और आप कंफर्टेबल इसको वियर कर पाएंगे। तो मस्ट ट्राई दिस रिंग वाला। हम लड़कियों के साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यार, सर पे पल्लू रख खानी जाता है और सब ससुराल में बोलते हैं नई दुल्हन को सर पे पल्लू रखना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये वाला हैक ट्राई करना है। बहुत ही आसानी से सर पे पल्लू रख भी पाते हैं और ये पल्लू गिरता भी नहीं है, चाहे आप कितना भी डांस करें, कितना भी नाचे गाएं, और ये पल्लू आपका सर पे एज इट इज रहेगा। तो ये वाला हैक जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपना गाइड कीजिएगा कि आप आने वाले वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं। तीसरी चीज़ एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, हम लड़के ना इतना सारा ब्राइडल स्टफ कैरी करते हैं, इतना सारा सामान हो जाता है। तब जब चूड़ियों की बात आती है तो भी हमको चाहिए कि हर चीज़ का मैचिंग हो, चाहे फिर हमारा सूट हो, गाउन हो या फिर आपकी साड़ी लहंगा हो, हर आउटफिट से मैच करता चूड़ी रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, शादी के बाद आप खरीद सकती हैं, लेकिन कैरी करके, यानी शादी से पहले आप शादी करके जा रही हैं तो ट्रूसों में पैक करके ले जाना इम्पॉसिबल होता है। तो उस केस में आप क्या करिए, 2-3 पेयर्स के ले लीजिए चूड़ी और गोल्डन सिल्वर ले लीजिए, जो भी आपको लग रहा है, कुंदन वाले लेने हैं, आगे पीछे जो भी आपको पसंद है वैरायटी ले लीजिए और मिक्स एंड मैच करके बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। या फिर एक प्योर रेड सेट ले लीजिए और आफ्टर मैरिज आप बैंगल्स खरीद सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, आपको यहाँ ये कहना चाहूँगी, कोई भी 2 लिपस्टिक्स को मिक्स एंड मैच करके आप न्यू लिपस्टिक बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपके पास भतेरों मतलब बहुत सारे शेड्स हो, न्यूड लिपस्टिक्स अलग हो, लाइट शेड्स की अलग हो, डार्क शेड्स अलग हो, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। नहीं, आप कुछ शेड्स ले लीजिए, 2-3 शेड्स ले लीजिए जो भी आपको पसंद के हैं, एक लाइट ले लीजिए एक डार्क ले लीजिए, उसको मिक्स एंड मैच करके भी आप नया शेड बना सकते हैं। ये चीज़ आप शादी के बाद कर सकते हैं, न्यू लिपस्टिक के शेड्स भी बन जाएंगे और आपका लुक भी डिफरेंट लगेगा। तो मस्ट ट्राई दिस हैक। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे ये कहूँगी कि बॉडी का फिगर अच्छा दिखाने के लिए साड़ी जब हम पहनते हैं और जब नॉर्मल पेटीकोट पहनते हैं तो लुक आता है बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन जब आप पेटीकोट शेप वियर पहनते हैं तो आपका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, एनहांस आता है, प्रॉपर बॉडी की शेप भी दिखती है और आपको ना कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो आप क्या कीजिए, 1 या 2 पेटीकोट शेप वियर जरूर ले लीजिए, एक लाइट कलर का ले लीजिए यानी एक बेज शेड का ले लीजिए और एक ले लीजिए ब्लैक जिसको कि आपकी डार्क शेड्स के साथ चला जाए। तो ये 2 शेड जो होते हैं ना ये न्यूट्रल है, हर साड़ी के साथ भी चले जाएंगे। इनको आप पहन के जब आप अपनी साड़ियाँ पहनेंगी, चाहे फिर वो ऑर्गेन्जा साड़ी हो, नेट की हो, या फिर आप पहनेंगी बनारसी साड़ी या कोई भी आउटफिट पहनेंगी, साड़ी का कोई भी क्लोथ पहनेंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको भी ज़रूर आप ट्राई कीजिए। अब होता क्या है, नई नवेली दुल्हन के ऊपर कहते हैं ज़्यादा ज्वेलरी सूट करती है, लेकिन अब आ गई है यार गर्मियाँ, गर्मियों में ना ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी जाती, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। इरिटेशन तो दूर की बात है, हम लोग की आदत नहीं होती है तो स्किन में एलर्जी होने लगती है। चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूँगी कि शुरुआत में एक दो दिन तो ठीक है आप रिचुअल्स कीजिए, लेकिन एक परफेक्ट मतलब अच्छा लुक देने के लिए, क्लासी लुक के लिए आप मिनिमम ही ज्वेलरी पहने जो कि आपके ऊपर अच्छी भी लगेगी और आप परफेक्ट भी लगेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप नई नवेली दुल्हन है तो बहुत बहुत भर भर के पहन रही हैं, इससे आप अनकंफर्टेबल भी हो जाएंगे, आपको एलर्जी भी होगी, आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है जब ब्राइड ही खुश नहीं होगी तो वो किसी को क्या खुश रखेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका खुश रहना, आपको कंफर्टेबल फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने आप को पहले कंफर्टेबल फील कराइए, उसके बाद आप कुछ और बात आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप हैवी इयरिंग पहनते हैं, हैवी इयरिंग्स अब जैसे मैंने अभी पहन रखी है तो बहुत लाइट वेटेड है, लेकिन जब हम कुंदन वाले या बहुत ज़्यादा हैवी इयरिंग्स पहनते हैं उस समय हमारे कान में बहुत दर्द होने लगता है। हम 10-15 मिनट आधे घंटे तो पहन लेते हैं, बट दिन भर या फिर कह लीजिए 2-4-6 घंटे नहीं पहन पाते। उस केस में या तो आप नंबिंग क्रीम लगा लीजिए या फिर आप मतलब ईयरबड आते हैं वो लगा लीजिए, ईयरबड मतलब टेप आता है, टेप लगा लीजिए, बॉडी टेप लगा के भी लगा सकते हैं या फिर बैंडेज लगा लीजिए। बैंडेज लगा के भी आप अपने ईयरिंग को पहनेंगे तो आपके ईयरिंग का वेट बहुत ही कम आपको लगेगा और आप 4 की जगह 6 घंटे उसे पहन पाएंगे। तो अब आपको हैवी ईयरिंग से बचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ट्राई दिस हैक। हाँ, एक और बात कहूँगी, गर्ल्स होता क्या है, हम अपने फेस का मेकअप करते हैं, पूरे फेस का कर लिया, नेक का कर लिया। कई बार क्या होता है हम जब साड़ियाँ पहनते हैं तो हमारा पेट या बैक दिख रही होती है और उस समय हमने पेट पे मतलब अपने स्टमक पे अपनी बैक पे कोई भी मेकअप नहीं किया होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आप अगर लगाते हैं तो बॉडी लोशन लगाते हैं। शुरुआती दिनों में जब आपकी न्यू वेडिंग हुई है उस समय आप क्या कीजिए, आप फाउंडेशन ले लीजिए, फाउंडेशन में थोड़ा सा प्राइमर, बॉडी लोशन और थोड़ा सा ग्लिटर लगा मिक्स कर लीजिए और उसको अपने बॉडी पे लगा लीजिए, जहाँ जो भी पार्ट आपका विजिबल है, तो आपको ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम बहुत ही ज़्यादा शाइन भी आएगी और अच्छा लगेगा। और अगर आप प्राइमर मिला के रखेंगे तो आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम से भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो पूरा बह जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये ज़रूर कीजिए। सर गर्मियों में शादी हुई है आपकी, समर सीज़न है या विंटर सीज़न है, आप ध्यान रखिएगा कि मेकअप आपको मेकअप फिक्सर ज़रूर लेना है। मेकअप फिक्सर के बिना आपको मेकअप फिक्स नहीं होगा। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए, एक बार इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और न्यू ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप भी परेशान है कि नेल पेंट आपकी बहुत जल्दी झड़ जाती है, मतलब रुकती ही नहीं है, चाहे कोई भी ब्रांड आपने लगा लिया, तो उस केस में आप ना नॉर्मल नेल पेंट की जगह जेल नेल पॉलिश यूज़ कीजिए। उससे आपकी नेल पेंट ना लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और उसके बाद आप डबल कोटिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा अंतर है नॉर्मल नेल पेंट में और एक जेल नेल पेंट में। दूसरी चीज़ आपसे यहाँ ये कहूँगी कि अगर आप भी पहनती हैं चूड़ियाँ और आप होता क्या कि कभी हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, कभी हम लोगों को इतना अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, चूड़ियाँ नहीं उतर रही होती है, कभी इरिटेशन, कभी एलर्जी, कभी कुछ, तो उस केस में आपकी चूड़ियाँ नहीं उतरती हैं। तो लोग कहते हैं कि आप साबुन लगा के ये चूड़ियाँ रिमूव कीजिए या फिर आप ऑयल लगा के रिमूव कीजिए या क्रीम लगा के रिमूव कीजिए। ये सारे तरीके ठीक है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, पॉलीथिन से भी आप रिमूव कर सकते हैं। इस तरह पॉलीथिन को अपने हाथ में पहन लीजिए, उसके बाद आप चूड़ियों को रिमूव करेंगे तो आसानी से रिमूव हो जाएगी और आपको कुछ भी पेन नहीं होगा, कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा, रेडनेस नहीं होगी। उसके बाद आप अच्छे से अपनी बॉडी पे, हैंड्स पे क्रीम लगाइए। आपकी शादी चाहे गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में हो, मतलब सीज़न कोई भी हो, लेकिन एक दुल्हन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कब वो कितनी देर में रेडी हो रही है। अब नॉर्मल साड़ी अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट बांधने आती है, ड्रेप करने आती है, तब तो बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन अगर आपको ड्रेप करने में टाइम लगता है या थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं आता है उतने अच्छे से, जो कि साधारण लड़कियों के साथ होता ही है, तो उस केस में आप एक रेडी टू वियर साड़ी हमेशा अपने पास रखिए जिसमें प्लेट्स यानी आपका पल्लू और आपकी जो प्लेट्स होती हैं दोनों ऑलरेडी पिन्ड अप हो। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट जीन्स के ऊपर या लेगिंग्स के ऊपर, प्लाजो के ऊपर या ऐसे भी डायरेक्ट वो साड़ी वेयर कर सकते हैं। 2 मिनट्स में आपके आउटफिट आपके रेडी है, बस आपको जो भी टाइम लगेगा मेकअप में लगेगा। ये साड़ी आपके पास हर सीज़न में अवेलेबल होने चाहिए। इससे फ़ायदा ये है कभी कहीं भी जाना हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि यार साड़ी पहनने में टाइम लगेगा या नहीं, मतलब होगा कि साड़ी भी पहनी और आप जल्दी भी रेडी हो जाएंगे। तो गर्ल्स अगर आप वो ब्राइड हैं जिनकी नोज़ पियर्सिंग नहीं हो रखी है, जैसे कि मेरी भी शादी हुई और मेरी भी नोज़ पियर्सिंग नहीं हो रखी थी और अभी मतलब शादी को 2 साल हो चुके हैं, अभी भी मैंने नोज़ पियर्सिंग नहीं कराई है। मुझे पर्सनली नोज़ पियर्सिंग पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं नहीं कराती हूँ। तो उस केस में आप दबाने वाली नथ ले लीजिए। क्या होता है जब भी मुझे घर में पूजा पाठ में पहनना होता है तो मैंने दबाने वाली ले ली है, पूर्ण इस तरह की आती है, गोल्ड की जैसी दिखती है, होती आर्टिफिशियल है। आपको 20 रुपए में कहीं पे भी लोकल स्टोर में मिल जाएगी। इसको लेके रखिए, ये इतनी आसानी से आप इसे पहन पाएंगे और मतलब आप दिन भर भी इसे पहन सकते हैं। इतनी लाइट वेट होती है, नोज पियर्सिंग भी जैसी लगती है, रियल लगती है, ओरिजिनल लगती है, गोल्ड जैसी भी लगती है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपको इसको पहनना है ना 24 घंटे तो आप 24 घंटे पहन पाएंगे, तो मस्ट ट्राई दें। साथ ही साथ अब यहाँ पे ये कहूँगी, अगर आपको हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है, इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप हेयर स्टाइल सेट करें, और गर्मियों में तो यार और ज़्यादा बाल खोल के हर समय बाहर जाना इरिटेशन होती है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप हेयर एक्सटेंशन ले लीजिए जो कि आते हैं क्लचर वाले, मतलब बन रेडीमेड होता है, बस आपको बाल लेके बांधने होते हैं, क्लच करना है और आप रेडी हैं। तो इस तरह का जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको बस जूड़ा बनाना है और दैट्स इट। पीछे से आपका बन पूरा रेडी है, आगे से आप थोड़े से बाल जैसे भी सेट करना चाहते हैं कर लीजिए, आप रेडी टू गो हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, चाहे फिर आपकी शादी किसी भी सीज़न में हो, गर्मियों में खास तौर पर। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास ज्वेलरी मिनिमम है, कम है, तो आप ईयरिंग्स को भी एज अ मांग टीका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप तरह तरह के 2 ईयरिंग्स से कॉम्बिनेशन जोड़ के न्यू ईयरिंग्स का पेयर बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन आप ट्राई कीजिए जो कि न्यू लुक देता है, आपको हैवी लुक देगा। 2 लाइट वेट ईयरिंग ले लीजिए, उनको जोड़ के आप एक मतलब बड़ा सा ईयरिंग बना सकते हैं, जिससे लुक भी चेंज हो जाएगा आपका और आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा। हर समय हम कितना खरीदें, हम लोगों को होना चाहिए कि जुगाड़ में काम हो जाए, तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गर्ल्स, आपकी शादी हो रही है, अभी नहीं हुई है, होने वाली है, हर केस में अगर आपने मतलब सोचा है कि आप डीप ब्लाउज, डीप या बैकलेस ब्लाउज, यार हर लड़की सोचती है बैकलेस ब्लाउज सिलवाएंगे, डीप ब्लाउज सिलवाएंगे, या ये वाला स्टाइल करवाएंगे, ये वाला करवाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं होता है कहाँ से क्या पार्ट दिखेगा। तो उस केस के लिए आपको बॉडी टेप रखना बहुत ज़रूरी होगी। अपने पर्स में, अपने मेकअप किट में बॉडी टेप को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। किस समय, किस ड्रेस के साथ, किस आउटफिट के साथ आपको बॉडी टेप की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नहीं पता होगा, तो पहले से आप खरीद के रखिए बॉडी टेप, सो दैट आपका कोई भी ऐसा पार्ट विजिबल नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इस चैनल पर बने रहिएगा, इस चैनल को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।